आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इंट्राडे मार्जिन आपका फेज वे में रिड्यूस होते जा रहा है वो क्यों हो रहा है और उसका रेमेडी क्या क्या है और सेगमेंट वाइज क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला चीज ये है ना कि 1 दिसंबर 2020 से सेबी ने क्या किया, एक इंट्राडे मार्जिन जिसको पीक मार्जिन के नाम से वो इम्प्लीमेंट कर दिया। उस समय क्या बात थी कि 25% करके लगेगा। फिर 1 मार्च जो कि आपको टाइमलाइन अभी ऊपर दिख जाएगा साइड में, तो उसमें क्या हुआ ना कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इसको फेज में बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद 1 मार्च से 50% हो गया, तो अभी हाफ एक्सपोजर आपको मिलता है। 1 जून से ये 75% हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ से और मार्जिन इंट्राडे में रिड्यूस होने वाला है। और 1 सितंबर से आपका 100% आपको देना पड़ेगा। मतलब इंट्राडे टेक्निकली अब कोई बेनिफिट रहा नहीं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। यस ऐसे बेनिफिट है, लेकिन इंट्राडे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट अब कोई बेनिफिट रहा नहीं। जो भी ब्रोकर्स पहले 10 टाइम्स 20 टाइम एक्सपोजर दे पाते थे वो अब देना बंद हो जाएगा। देखिए ये होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, सेबी कहता है कि दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स, बट वो क्या रखा था ना कि जो HNI क्लाइंट्स है वो जिन ब्रोकर्स के पास काम करते थे उन ब्रोकर्स के पास वो पूरा पैसा रखते थे, पूरी मार्जिन वो देते थे और उस हिसाब से वो ट्रेड करते थे। वो क्या रहा था कि रिटेल क्लाइंट जो है वो बेस्ड ऑन एक्सपोजर, कुछ ब्रोकर्स 20% तक एक्सपोजर दे देते थे, वो जो 20 टाइम्स एक्सपोजर उनको मिलता था वो क्या कर रहे थे। आजकल रिटेल इन्वेस्टर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि दे यूज टू गिव बिग प्लेयर्स रन फॉर देयर मनी, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर अच्छा काम करने लगे थे और अच्छा रिटर्न बनाने लगे थे। उससे क्या हुआ कि मार्केट में ना एक क्लियर डिवाइड क्रिएट हो गया कि कुछ लोग हैं पूरा मार्जिन देके काम करते हैं, कुछ लोग हैं इंट्राडे में लेस मार्जिन से काम करते हैं। उसमें काफी क्लाइंट का लॉस भी हो रहा था और कुछ क्लाइंट स्मार्ट थे जो पैसे बना भी रहे थे। तो वो एक तरह का आर्बिट्राज बन गया था कि अब सेबी किसको प्रोटेक्ट करे, जिसमें ज्यादा क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करे या छोड़ दे इसी तरह मार्केट को अपने हिसाब से एडजस्ट होने में। क्योंकि क्या हो गया था ना कि काफी ब्रोकर्स इतना एक्सपोजर देने लग गए थे कि आपके पास 10,000 रुपए M2M है, तो जब तक M2M जीरो नहीं होता, आपके मार्जिन पूरा जीरो नहीं होता, तब तक वो आपको ट्रेड करने देते, तो वो दिक्कत थी। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि सेबी ने फिर डिसाइड किया कि चलो फेज्ड वे में पीक मार्जिन ले आते, अब जो पैसे देगा वही ट्रेड कर सकेगा, सो दैट रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर ही बने रहे, ट्रेडर्स ना बन जाए। अब देखिए हुआ क्या है ना कि अगर आप सेगमेंट वाइज इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो पहले कैश सेगमेंट में तो कोई मार्जिन नहीं लगती थी। जून 2020 से कैश सेगमेंट में मार्जिन लगना चालू हुआ, 20% की बात हुई थी। ठीक है, एफओ में हमेशा से 15-20% का मार्जिन रेंज है, एक समय पे 10% भी हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। करेंसी में 7-8% का ही मार्जिन रहता है, वो अभी भी वैसे ही। कमोडिटी में 8-10% डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉन्ट्रैक्ट यू आर ट्रेडिंग, गोल्ड में कर रहे हैं आप तो 8% लगता है, क्रूड में कर रहे हैं तो 20% लगता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ट्रेडिंग मार्जिन का। जून से ये कैश सेगमेंट में आपको इंट्राडे करने के लिए 15% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए का रिलायंस लेने का सोचा है, पहले 20,000 लेके कर सकते थे, अब आपको 15,000 देना पड़ेगा तब आप कर पाओगे। सॉरी 20,000 में आप 20,000 का आप पहले, अभी तक तो आप 10% में कर पाते थे, अब आगे गोइंग फॉरवर्ड आप 15% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सेप्टेम्बर ऑनवर्ड पूरा 20% देना पड़ेगा, तो इंट्राडे के लिए भी आपको उतना मार्जिन देना पड़ेगा। एफओ में भी सेम केस, और सितंबर ऑनवर्ड मार्जिन एकदम खत्म हो जाएगी। करेंसी कमोडिटी में भी सेम चीज रहेगी। अब हमें करना क्या है, देखिए ये तो प्रॉब्लम्स हो गए, इसका सॉल्यूशन क्या है। सेबी पीछे हटेगा बहुत रेयर चांसेस है, ऑल्दो सारे ब्रोकर एसोसिएशन सारी ब्रोकर्स बॉडी सब लोग बोल चुके हैं कि आपको ये देना चाहिए, नहीं तो हमारे क्लाइंट्स मतलब हमारे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो जाता है, हमारा रेवेन्यू सोर्स खत्म होते जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है सेबी झुकेगा, नहीं झुकेगा? बहुत रेयर चांसेस है कि सेबी बात माने। एट द एंड वो मैक्सिमम क्या करेगा, चलो ठीक है जो अभी 50% चल रहा है उस पर वो रोक देगा, लेकिन वो भी अभी लग तो नहीं रहा है इमीडिएट फ्यूचर में होते हुए। तो उसका उपाय क्या है, देखिए ये अप्लाई करने के पहले ना अक्टूबर में सेबी ने एक रूल लाया था कि आप अपने जो शेयर्स या होल्डिंग्स आपके पास है आप उसको प्लेज कर सकते हो थ्रू डीपी मैकेनिज्म। तो मतलब उसमें क्या होगा कि आपके शेयर्स आपके डीपी में ही रहेंगे, बट वो आपके ब्रोकर को प्लेज हो जाएंगे और आपके ब्रोकर उसको आगे चाहे तो प्लेज कर सकता है टू क्लियरिंग मेंबर या फिर टू एक्सचेंजेस डायरेक्टली। तो अब ये जो प्लेजिंग वाला जो मैकेनिज्म आया है इसमें क्या हो रहा है कि शेयर्स आपके पास ही रहते हैं, उस प्लेज के बेसिस पे आपके पास एक्सपोजर ले पाओगे। उसमें भी कितने ब्रोकर्स 50-50% का लिमिटेशन लगाते हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन रिटेल ब्रोकर्स हैं वो तो 50% का लिमिटेशन लगा के रखते हैं कि एटलीस्ट आपको 50% कैश देना पड़ेगा। तो टू एन एक्सटेंट अगर प्लेज रिप्लेज के थ्रू आप जाते हो ना तो अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है कैश फ्रंट पे वो थोड़ा सा आप रिड्यूस कर सकते हो, पूरे पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, आप प्लेज रिप्लेज यूज करके थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हो। फिर भी
और ये तो हो गए प्रोज, कॉन्स क्या है? अगर आपने डेबिट कर दिया, आपने लॉस कर दिया और आपने अपने ब्रोकर को पैसे नहीं दिए, तो वो प्लेज को इन्वोक कर सकते हैं, उन शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, एंड वो शेयर सेल करने के बाद वो पैसे अपने डेबिट के अगेंस्ट वो सेट ऑफ कर सकता है। तो अगर किसी का ये इंटेंशन है कि हम डेबिट कर देंगे तो और पैसे नहीं देंगे, तो वो भी वहां पे फंस जाएगा, बिकॉज प्लेज रिप्लेज में वो रिवोकेशन ब्रोकर कर सकता है एंड वो फिर शेयर्स को बेच सकता है, प्रोवाइडेड आपका डेबिट है तो। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं।